सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लिनक्स को लेकर के कमांड लाइन पर हम कैसे काम करते हैं और थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्स मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहां पर ड्यूअल बूट हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया, कोई ड्यूअल बूट इंस्टॉल नहीं किया, तो वर्चुअल बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम अगर आपका ठीक ठाक है, रैम वगैरह ठीक ठाक है, तो इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। बड़ा आसान है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहां से हैकिंग के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है वो है काली लिनक्स। तो अगर आप हैकिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो काली लिनक्स को जरूर इंस्टॉल करें। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहां पर हमें कमांड वाला इंटरफेस खोलना है। तो यहां पे हमने क्लिक कर दिया है स्टार्ट पर और उसके बाद से एक नया सिनेरियो आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से काले लिनक्स स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे काले लिनक्स जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये इंटरफेस आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये इंटरफेस मुझे काफी पसंद है काले लिनक्स का। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपली जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो आपको कमांड वाला इंटरफेस भी दिखाई पड़ेगा। तो कमांड वाला इंटरफेस जैसे ही दिखाई पड़ता है तो पहले तो यहाँ पासवर्ड हम डालेंगे, जो भी हमारा पासवर्ड रहा होगा उसको यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा, जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त दिया होगा। और जैसे ही आप देंगे तो ये काले लिनक्स वाली विंडो जो है ओपन हो जाती है और ये थोड़ा टाइम लेता है, फिर ओपन हो जाता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। नीचे यहाँ पर आपको कमांड वाला इंटरफेस मिल जाता है, जो टर्मिनल कहा जाता है वो आपको मिल जाता है। क्लिक कर दीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टरी बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पर डायरेक्टरी कैसे बनती है, यहाँ पर एमडी लिखने से डायरेक्टरी नहीं बनेगी, यहाँ पर लिखना होगा एमकेडीआईआर। और MKDIR लिखने के बाद यहाँ पे एक लैंग्वेज का नाम है कॉटलिन, तो यहाँ मैं कॉटलिन लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई एरर का मैसेज नहीं आया। ऐसे में हमें ये पता चलता है कि ये जो डायरेक्टरी है वो बन चुकी है, ठीक है। और अब इसके अंदर जाने का कमांड क्या होता है, तो वही सीडी जो है अंदर जाने का कमांड होता है सीडी, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्टरी का क्या नाम था, कॉटलिन। तो यहाँ पे कॉटलिन जो है डायरेक्टरी का नाम है और ये हमने दे दिया और एंटर जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको कॉटलिन भी दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। लिनक्स इसलिए यूज किया जाना चाहिए क्योंकि लिनक्स में गिने चुने वायरसेस डिटेक्ट किए गए हैं, जबकि विंडोज में तो लाखों हैं।